हेलो दोस्तों, फिर से हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगले वीडियो में आपको बता दिया था कि स्टैंड कैसे खड़ा करना है। आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि फाइनल उस पर किचन कैसे बनाने का है। कड़प्पा मैं डाल के बनाने जा रहा हूँ, कड़प्पा कैसे कटिंग करना है आप तो खुद देख सकते हैं। और उसके बाद आपको फाइनल किचन बना के दिखाऊंगा। बहुत आसान तरीका है किचन बनाने का। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हैं, आधा अधूरा समझते हैं तो वो आधा अधूरा सही नहीं रहता है। सबसे पहले हम कड़प्पा काट लिए, चढ़ा लिए, उसके बाद हमको पट्टी से चेक कर लेना है कि ऊपर नीचे तो नहीं है। पट्टी से चेक करके उसके बाद हमको लेवल भी चेक करना है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेवल चेक करने का है। लेवल चेक करने के बाद आपको फिर आपको जो ग्रेनाइट है जो ऊपर डालेंगे उसको हम माप के कितना का लगता है वो हम कटिंग कर लेते हैं। कैसे काटना है, मेरा तो ये एल में है तो हमको एल में, और बहुत लंबा है ये, 10 फुट से ज़्यादा का पार्ट यह है। आपका दिखता होगा ज़्यादा बड़ा कि नहीं ये, लेकिन 10 फुट से ज़्यादा का पार्ट यह है, तो इसमें थोड़ा हमको परेशानी होगा डालने में, लेकिन मैं डाल देता हूँ। मेरे पास वो आइडिया है कैसे डालने का है, क्योंकि मैं सबसे पहले डालने से पहले बहुत जुगाड़ लगाता हूँ, क्योंकि जुगाड़ से ही सब ताकत भी लगता है इसमें और जुगाड़ भी लगता है इसमें किचन पाटिया डालने में। अब जितना जुगाड़ लगाओगे उतना आसानी से डलेगा पाटिया, नहीं तो थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है। तकलीफ़ की बहुत तकलीफ़ हो जाता है। बहुत मिस्त्री को मैं देखा हूँ कि उसको तकलीफ़ हो जाता है। क्या क्या करने का है आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम पाटिया काट लिए, कितने का काटना है, और अगर सिंगल में डाल रहे हैं तो आपको 10-10 mm गैप रखने का ही है, क्योंकि वो टाइल लगेगा। अगर सिंगल में डाल रहे हैं तो 10-10 mm आपको, मैं 10 mm इधर से छोटा, 10 mm उधर से छोटा मैं काट लिया। उसके बाद हम वही पत्थर, जो पत्थर हम लगाएंगे कटिंग किए हैं वही पत्थर ला करके इस पर हम लेबल करके कितने पे हमको, मैं तो 75 mm पे रख रहा हूँ तो इसको मैं 70 mm मतलब 2.75 इंच पे मैं इसको धारा मार के माचन करूँगा, और ऊपर से इसमें पट्टी लगेगा फेसिया पट्टी, तो वो 5-7 mm ऊपर रहेगा इससे, क्योंकि वो पानी नहीं जाना चाहिए। वो मैं पट्टी भी लगा के दिखाऊंगा लास्ट में, आपको माचन करके दिखाता हूँ माचन कैसे। ऐसे आप लेवल बाटली आपको रहना ज़रूरी है, नहीं तो वो भी सही वाला, ये 0.15 mm तक ये बता देता है कि लेवल सही है कि नहीं है। ऐसा वाला आपको लेवल बाटली चाहिए तो मैं कमेंट में ज़रूर लिखना, चाहिए तो मैं दे दूंगा इसका लिंक। और उसके बाद यही लेवल बाटली ये बहुत कायम होता है, मैं इससे बहुत दिन से काम करता हूँ, ये गिरता भी है तो सही रहता है, दूसरा लेवल बाटली गिरता है तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो मैं दोनों तरफ फाइनली धारा मार लिया हूँ। उसके बाद हम इसको माचन करेंगे। माचन में कभी भी माल थोड़ा ज़्यादा ही रखने का, क्योंकि माल कटने लगता है माचन में। आप माल कम रखेंगे तो माल कटने लगेगा, वो गिर जाएगा चलेगा, लेकिन आप माचन में थोड़ा माल ज़्यादा ही रखने का। कभी भी माचन में किचन पे आप प्लेटफार्म डालेंगे तब से पहले माचन में माल आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखने का, और माल को बिल्कुल पतला रखने का है। पतला रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा भी सीमेंट पानी डालेंगे वो पिछलेगा, और पतला नहीं रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो माल वो पकड़ लेता है। पतला नहीं रखते हैं, थोड़ा सीमेंट पानी डालेंगे जहाँ पे उठेगा वो पकड़ लेगा। ऐसे में हम पतला में क्या करते हैं, डोला देते हैं, इसमें पाटिया जल्दी बैंड नहीं होता है। और जो पतला नहीं रहता है, पानी कम रहता है, उसमें पाटिया थोड़ा हल्का
और जहाँ पे ठोकेंगे तहाँ पे उठा ही रह जाएगा या बेंड भी हो सकता है। इसमें थोड़ा भी बेंड नहीं होने का चांस रहता है। मैं पट्टी से भी दिखाऊंगा। तो मैं फाइनली माचन कर चुका हूँ और पाटिया इस पर चढ़ाऊँगा और कैसे चढ़ाने का है वो भी डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इस पर एक एक करके पत्थर रख लेते हैं क्योंकि आसानी रहता है, माचन इधर उधर हो जाता है। पट्टी नहीं रखते हैं तो जहाँ पे पाटिया आप रखें वो वहाँ पे धस जाता है और पाटिया कभी भी आपको खड़ा में उठाने का है, साफ पर लेकर के खड़ा में ही उठाने का है। खड़ा में उठा के देखिए कितना मेरा दिक्कत हो रहा है इसमें चढ़ा वो आने में दिक्कत हुआ। वीडियो को मैं भगा दिया हूँ लेकिन दिक्कत हुआ, बहुत लंबा पाटिया है और ये घुसाने में भी दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत तो हुआ लेकिन चढ़ा दिए पाटिया को, थोड़ा सा क्रॉस करके हमको चढ़ाना पड़ा, मैं चढ़ा दिया हूँ। उसके बाद हम इसमें देने के बाद हम लेवल चेक करेंगे कि मेरा लेवल सही है कि नहीं है, और लेवल लेवल बाटली से पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लेवल पाइप से चेक करेंगे कि मेरा लेवल उठा है कि नीचे है कि दबा है। जो भी है आपको लेवल चेक कर लेने का है, अगर लेवल लेवल में रखने का है तो लेवल में, नहीं तो आपको स्लोप देना है तो स्लोप में, जिधर स्लोप देने का है उधर आप तो उठाए ही होंगे। तो हमको इसको लेवल में रखने का है तो मैं इसको लेवल फाइनली चेक कर चुका हूँ। उसके बाद हम इसको उठाएंगे, इसके बाद हम उसको जहाँ पे ठोकना पड़ेगा और ठोकेंगे उठाएंगे, उसके बाद हम उठा करके पट्टी भी चेक, पहले हम पट्टी भी चेक कर लिए हैं क्योंकि मेरा पत्थर बेंड तो नहीं है, पट्टी चेक करके उसके बाद हम इसको उठाएंगे। उठ ये ज़्यादा उठ नहीं रहा है क्योंकि ये एल में है, थोड़ा खींच करके आप उठाना क्योंकि वो कात में माल पकड़ लेता है, या खींच के उठाएंगे तो जल्दी उठ जाएगा। थोड़ा खींच करके इधर आगे खींच करके उठाएंगे, मैं उठा लिया हूँ, ये ज़्यादा उठ नहीं रहा है। उसके बाद हम सीमेंट पानी डाल देते हैं, इसमें थोड़ा कम ही सीमेंट पानी, इतना पतला माचन करेंगे तो कम ही सीमेंट पानी, थोड़ा गठ रहेगा लेकिन कम ही सीमेंट पानी डालेंगे, ये ज़्यादा उठा नहीं, नहीं तो मैं पूरा खड़ा कर देता हूँ। अगले वीडियो में आप देखे होंगे मैं पूरा खड़ा कर देता हूँ, ये ज़्यादा उठ नहीं रहा क्योंकि ये एल में है। तो इसके बाद हम थोड़ा जिधर ज़्यादा थोड़ा उठा नीचे है थोड़ा सूखा सीमेंट मार देंगे, उसके बाद हम इसको बैठा के उसके बाद हम इसको फिर लेवल चेक कर लेते हैं। लेवल चेक लेवल बाटली से पर ले कर लेने का है, उसके बाद आपको जिधर उठा बैठा हो और ठोक देने का है। ठोकने के बाद आपको किचन तैयार हो गया। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और फिर मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।